ये गाड़ी चढ़ेगी क्या इतनी जगह पे? चढ़ेगी ना। अरे भाई चटनी मट्टी डाल के, वाओ वाओ वाओ, जंगल के टाइप लग रहा था भाई। लेकिन बात ऐसी हुई, तक वाली म्यूजियम में जाते हैं। और फिर कैसे हो सभी लोग? आई होप आप सभी लोग खुश हो गए, मस्त हो गए, एकदम ठीक हो गए। तो दोस्तों, एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं एक बात शेयर कर देता हूँ कि जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ से मैं 4 दिन के लिए सस्पेंड हो चुका हूँ। मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ 4 जन सस्पेंड हो चुके हैं। तो फिर अभी एज में घर बैठना तो बहुत मतलब अच्छा ही नहीं लगता यार, पूरा बोरिंग सा फील होता है। इसी वजह से हमने चारों ने मिलकर एक प्लान किया है कि कहीं बाहर जाने का। तो यहाँ बोरीवली में एक संजय नेशनल पार्क है, वहाँ जाएंगे और थोड़ा मन हल्का कर लेंगे। तो चलो, बहुत ही फेमस पार्क है बोरीवली में, संजय नेशनल पार्क। ऐसे हम तो घूमने जाते ही है, लेकिन आज मिलकर प्लान किया है कि यार एक हमने SOP फॉलो नहीं किया, रूल रेगुलेशन, इसीलिए हमें सजा मिली है 4 दिन डायरेक्टली सस्पेंड। तो चलो अच्छी बात है यार, छुट्टी मिली 4 दिन के लिए, जाएंगे कहीं घूमने, ऐसे थोड़ी हम वेस्ट करने वाले 4 दिन। तो चलो मिलता हूँ आप सभी को मैं दोस्तों के साथ, लेट्स गो। तो गाइस फाइनली मेरे दोस्त के पास आ चुका हूँ। ये है अभिषेक और ये है विकास। इनके बारे में आप सभी को मैं थोड़ा वो तो बता ही चुका हूँ। अभी हम थोड़ा हमारा मन हल्का करने, वो एक बैड फील से बाहर निकलने के लिए हम बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने। और चलो फिर कहीं, मतलब आप सभी को तो मैं बता चुका हूँ कि हम जा रहे हैं नेशनल पार्क। ये मेरे साथ विकास, अभी ये बीच वाले रास्ते से हमको जाना है। दोस्तों फाइनली हम आयो के पास पहुँच चुके हैं और अभी ब्रिज हो के हम उस साइड जा रहे हैं, घोड़बंदर हाईवे। और ऐसे हम हाईवे क्रॉस नहीं कर सकते, इसी वजह से अभी हम ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। तो चलो उस साइड मिलता हूँ आप सभी को। 158 हो रहा है भाई, 2 बजे आए। आराम से गाड़ी आ रही है। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ थोड़ा। बस में बैठ चुके हैं, बैठे नहीं है, खड़े ही है, सीट हमें मिली नहीं है। तो दोस्तों हम पीछे से आगे आ चुके हैं, तीनों जन, क्योंकि तीनों जन आराम से बातचीत कर रहे हैं यार। ये AC चलाओ ना भाई। चला नहीं चल रही, क्यों रहा है पीछे तक? मुझे आ रही अच्छी सी आवाज आ रही है, मुझे आ रही है। ठीक से कर, हमारी तरफ ले रे बस। थैंक यू, चलो पहुँच नहीं वाला है यार। 2:30 से निकले थे वहाँ से, और 3:13 हुआ है, बहुत ही टाइम हो गया है वहाँ से आते समय, बहुत ही टाइम हो जाएगा शायद, बहुत टाइम जाएगा। फाइनली हम पहुँच चुके हैं भाईंदर वेस्ट, देख सकते हो मेरे पीछे, बैक कैमरा से दिखाता हूँ। चलो समोसा खा लेते, 8 रुपए में वड़ा पाव, अरे भाई चटनी मट्टी डाल के, वाओ वाओ वाओ। अभी नाश्ता हो गया फुल, थोड़ा एनर्जी फील, बूस्ट पावर मिल चुकी है हमें। राजू भी यहाँ कहाँ सोया हुआ है भाई, राजू उठ जा। ऑनलाइन टिकट क्या? ओके इधर, अरे बोरी वाली तो दिखना चाहिए, ये थाने है, ये बोरी वाली, इधर क्लिक कर, भिवंडी डाल दिया है, बैक कर, सॉरी मैं कल ही किया था, सॉरी। तो ये नहीं कर रहा, आप इधर आए, पैसे दे दे, पैसे मेरे पास कैश नहीं है, ऑनलाइन कर रहा हूँ। अरे सरक ना, गलत है, ये बच्चे मन के सबसे बहुत ही झगड़ा करते गाइस। ठीक है ना, पहुंच जाएगी आराम से। आप लोग भी सब वहाँ टाइम पास कर रहे हो, तुमने क्या गाड़ी में सोगा तो क्या करूँगा रात को? अच्छा उठा नहीं मैं, बस
हेलो गाइस, ये प्लेटफॉर्म पे अपनी गाड़ी आने वाली है अभी। ये प्लेटफॉर्म पे कौन सा फर्स्ट प्लेटफॉर्म है ना, ये पहले प्लेटफॉर्म पे गाड़ी आएगी अभी और यहाँ से जाएगी भोजपुरी। हाँ ना यार, सिस्टम चालू हो गया। लड़की लोग करेगा नहीं, इधर नहीं, इधर सब वही है। तो गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है 15 मिनट बाद, और बैठते आराम से अंदर। चलो इधर आओ, इधर लेडीज इधर आना। तो गाइस धक्के मुक्के खा के हम आ चुके अभी बोरीवली स्टेशन पे। बहुत ही भीड़ है अंदर। बाय बाय। ये फ्रंट साइड से बोरीवली स्टेशन, पहले हम बोरीवली स्टेशन के फ्रंट साइड पे आ चुके और अभी यहाँ से अभी हम देखते हैं कि कैसे जाते हैं नेशनल पार्क की तरफ। यहाँ से तो मैं एक बार पैदल ही गया था, हाँ उस साइड से शायद। अभी जाते हैं पैदल और नेशनल पार्क के सीधे सामने हम पहुँच जाएंगे। ये लोकल मार्केट है, ये लोकल मार्केट में और इसके लिए देख मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक मैं भी नहीं कर रहा हूँ, कर रहा है तो अभी क्यों कर रहा पता हूँ क्या जाएगा? ठीक है मैं मानता हूँ, देखो लगता है हर बस्तर में सब कुछ होता है, नहीं होता है भाई, होगा सबको समझना उधर आता है। देखो भाई विकास बोलना चाह रहे हैं कि अंदर हम जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा, बोरीवली का ही पूरा वीडियो बना दे और चल जाओ। यार हम वीडियो के लिए थोड़ी नहीं आए, ये बस हम खुद को जाना है, एक प्लान बना के आए। तेरा प्लान क्या बोल रहा हूँ ना, मगर गेट है, पैसा देंगे, वहाँ से बस मिलती है गवर्नमेंट बस, वो बस पकड़ेगी और सीधा मेन पॉइंट पे चल जाएगी, फिर वहाँ से पैदल आ जाएगी जाओ जो हमें देखना है वो। ये ऐसी बात है भाई, अभी टाइम हुआ मुझमें क्या हो, मेरी क्या गलती। देखो इधर मार्केट, चलो आगे। तो दोस्तों फाइनली हम अभी ब्रिज के पास आ चुके हैं, ब्रिज के ए साइड में यहाँ है संजय नेशनल पार्क। और मुझे पता नहीं गाइस, मुझे कोई तो बता रहे थे कि यहाँ 5:30 बजे या 6 बजे बंद हो जाता है, पर मान करे ऐसा ना हो यार, हमें अंदर जाना है। 1.5 घंटा या 2 घंटे भी मिले हमें तो बाहर आ सकते हैं जल्दी पास। कुछ खाने पीने के लिए हम ले लेते हैं यहाँ ना। सॉरी अभिषेक इधर से। हाँ तो चलो गाइस, ये देखो टिकट मिल चुकी है तीनों जन के हमारे 94 के हिसाब से तीनों जन का हुआ है 282। ओके चलो गाइस देखते साइकिल देखते या ऐसे पैदल निकल जाते हैं, अगर कम बजट में साइकिल मिल जाती तो साइकिल ही ले ले क्या मिल जाती है ऐसे। हो बैठो, ऑनलाइन लेते हैं। अरे अंदर नेटवर्क नहीं रहता इसी वजह से। चलो आज ये गाड़ी से अभी हम जा रहे हैं तीनों जन 50-50 रुपए देकर, 2 म्यूजियम देखेंगे और ये एक प्लेस पे हमें वहाँ ड्रॉप कर देंगे, रिटर्न नहीं आने वाले, बस वहाँ जाएंगे, वहाँ से हम पैदल ही आएंगे। देखते फिर अभी एक एक जन का नहीं आगे एंजॉय उचक जाएगी गाड़ी, नहीं कोई बात नहीं पलटी हो जाएगी नहीं तो। चलो भाई फोटो निकाल रहे देखने वाले। तो देखो गाइस जा रहे थे तीनों जन, ट्रेन पे लिया है हमने 50-50 रुपये तीनों जन। म्यूजियम हाँ, 2 म्यूजियम और एक दादा। ओके ड्रॉप राइट, वो एकदम लास्ट पॉइंट है, मजा आ गया। ये गाड़ी से जाएगा भाई, पैर भी दुखने लगे थे इसी वजह से हमने गाड़ी ली है। यहाँ फोटो शूट चल रहा है, सही है ठीक है। दोस्तों ये जो ब्रिज के नीचे से जो नदी जा रही है कुछ नहीं थी बारिश के दिन में, थोड़ी बहुत ही चल रही थी लेकिन अभी तो फुल हो गई पूरी, देखो ज्यादा गहरा है नहीं इतना नहीं। बाइक घुमा रहे हैं आराम से, मजा आ रहा है। गाड़ी इलेक्ट्रिक है क्या साहब, इसलिए आवाज नहीं आ रही। सो गाइस फाइनली हम एक म्यूजियम में पहुंच चुके हैं, तो चलो गाइस। वाओ हम पिछली बार आए थे तो ये आ नहीं आए थे, हमें पता नहीं था, अभी पूछताछ से आ रहे हैं तो सब पता चल रहा है। कैट ओरिएंटेशन सेंटर, ओके वाओ क्या लग रहा है भाई। हा? बैंक ऑफ इंडिया इधर एटीएम भी है, कौन जानवर पैसा निकलेगा।
चलो गाइस अंदर, वाओ सो नाइस। हमारी एंट्री होती हुई अंदर, नकली है डरो मत। तो गाइस हम अंदर म्यूजियम में एंटर हो चुके हैं और बाहर से तो मतलब ऐसा गुफा की तरह लग रहा है, लेकिन अंदर तो एकदम कांच के एकदम शाइन टाइप है पूरा। यार ये तो पूरा असली लग रहा है। ओ पूरा फाड़ो शूट फटाफट। सही है, मजा आ रहा है देखने में म्यूजियम। तो थोड़ा फोटो शूट कर लेते हैं हम, यहाँ निकाल लेते हैं और स्टोरी डालेंगे। असली टाइगर के सामने खड़े रहे ऐसा भी होता है सोशल नेटवर्क पे। मैं निकालता हूँ भाई, तो चलो भाई फोटो शूट करते हैं, बाद में मिलते हैं। बोल क्या हुआ? फैमिली के साथ। हाँ आपकी फैमिली पूरी। अभी यहाँ ये म्यूजियम हमने देख लिया, बहुत ही अच्छा है, नकली है लेकिन अच्छा है। ये देखो किधर ऊपर भी कुछ देखने के लिए है, लेकिन जो पब्लिक आ रही थी बाहर। सही यार, आवाज तो ऐसा करे पूरा जंगल टाइप। हाँ मिला लो तुम, सब असली लग रहे हैं देखो। ये जो जितने भी यहाँ प्राणी है पूरा इनका नाम दिया हुआ है देखो। ये देखो ये जंगली कैट, मार्बलेट कैट, लेपर्ड कैट, ये सब कैट के पूरे वेरिएंट्स है भाई। वाह तू अच्छे से देखा। ये मेरा दोस्त है भाई। बस भाई मजा आया गाइस, बहुत ही मतलब ये पूरे नकली लेकिन पूरे असली लग रहे हैं गाइस, मजा आया। अलग वाली म्यूजियम में जाते हैं और निकलते हैं अभी हम बाहर। अंदर पूरा जंगल का टाइप लग रहा था भाई, लेकिन बात ऐसी हुई बाहर आते ही देखो पूरा पत्थर सा है। सर क्या बोल रहे हैं? बोला ना सर, तो कुछ बता, सब्सक्राइब वगैरह करें अपन। सही, आपला यूट्यूब वगैरह चैनल है सर, चिनूस ब्लॉग। अपन ट्रैवलिंग वगैरह असं व्हिडिओ काढत असतो, मेमरीज बनवायचो। बस मस्त होता आपले, तर आम्ही पहिल्यांदा बघितलं। सर को बता देना, व्हाट्सअप डाल देना ना भाई, एक बंदा आया था यूट्यूब देखो। नहीं रे वो कैसा, हम जहाँ आए ना वो एक ऐसा एक्साइटेड हो जाते बस देखने में खोए रहते इसीलिए बस। डर गया था क्या है? अंदर पूरा वो पूरा असली लग रहा था सब, और साउंड तो पूरा ये लेपर्ड का आ रहा था, पक्षियों का आवाज आ रहा था। सही लगा, अच्छा लगा। तो चलो ये दूसरी प्लेस की ओर जा रहे हैं, हमें भैया ले जा रहे हैं नेचर कैंप। तू देखते जा बस, ये गाड़ी चढ़ेगी क्या इतनी जगह पे? चढ़ेगी ना। हाँ नहीं चढ़ेगी, धक्का मार। पावर है भाई, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक बाइक। लोधा हमारा लोधा हमारा में कैसा कल्पत्र में चल रहा है गाड़ी। पहली बार हम आए थे बारिश के दिन में थे ना, बारिश खत्म हो गई थी मतलब लास्ट में आए थे, लेकिन हरियाली बहुत थी अभी भी है। चलो ये बंगलो है ना। हाँ अच्छा यार प्लेस, मुंबई में अच्छा प्लेस है यार। ये जो म्यूजियम है यहाँ अंदर जाके फोटोशूट अलाउड नहीं है, तो मैं अभी मेरा ये मोबाइल रखता हूँ, बस देख के आता हूँ कैसा क्या है, आप सभी को मैं बताता हूँ। ओके तो चलो देखते हैं, हम रिक्वेस्ट करके देखते हैं, अगर कैमरा अलाउड रहेगा अंदर तो हम अंदर जा सकते हैं कैमरा लेके। बाय। चलो गाइस फाइनली हम म्यूजियम के बाहर आ चुके हैं, और जो अंदर का भाग था भाई पूरा एकदम असली, पहले वाले गुफे से भी असली वाले पूरे प्राणी लग रहे थे अंदर। तो चलो कोई बात नहीं भाई, कार ड्रॉप करके देखते हैं। ओके सी यू। पहले वाला म्यूजियम अभी जो आए हम उससे भी अच्छा हुआ, असली लग रहा था पूरा। हाँ क्या लेपर्ड थे, पूरे असली लग रहे अभिषेक, पूरे असली लग रहे सर। देखा उसने, वो तो मोबाइल भी निकालने लगा था, लेकिन क्या उधर कैमरा चल रहा था बिग बॉक्स की तरह, घूम रहा था पूरा यहाँ से वहाँ, कोई निकाल रहे कैमरा वीडियो।
वाह चलो गाइस बहुत मजा आया, आई होप आप सभी को भी ये सब सीन देख के मजा आ रहा होगा। थैंक यू। तो चलो गाइस यहाँ बैठ जाते जरा, बैठो ना, अरे बैठ के खाओ आराम से। अभी मुझे तो प्यास लगी है, मैं कुछ खा नहीं रहा, पानी पी लेता हूँ, क्योंकि कुछ खाने से चलने में दिक्कत नहीं होती ना, एनर्जी फील होती है। बात सही है, हाँ वही तो यार। ये मैप है, ये मैप के जरिए आप लोग आबी की तरफ जा सकते हो। कहाँ कहाँ जा रहे मेरे भाई? सही है, नेपट से चलते मिलेंगे। नहीं रे ऐसे नहीं, देखो खूब कार जगह पे रहता, इधर नहीं रहते। चलो आगे। तो यार बाइक माइक लग रही है भाई, क्या हो रहा है इधर? डर मत रे, मैं हूँ ना यार। हाँ सूखी नदी पड़ी है, चल दो यार। तो इधर ही नहाए थे ना। हाँ अभी देखते हैं। दोस्तों अभी हम जिस जगह पे गए थे वहाँ से भी रिटर्न आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से मुझे लगा कि वो नदी ऐसी बह रही होगी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं है। क्या भी इंजॉय करें, इधर चलना है राइट साइड में भाई, और आधा घंटा बाकी हमारे पास। यार एक दिन चांस मिला यार, तू चल चल कर रहा है, आया मत कर यार मेरे पीछे, अगली बार ठीक है। नहीं, नहीं वो नहीं बता रहा यार, नहीं आऊंगा, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मुझे ना ऐसा पसंद नहीं यार, अगर हमको जो टाइम मिला है उसके हिसाब से तो चल। अरे भाई टाइम उधर का नहीं दिया, जाने का भी दिया है। अच्छा जाने का टाइम दिया, थोड़ा आगे चल जाते देख के आते। क्या गाइस क्या गए थे आप लोग? आप लोग तो बाकी सीन देख के बहुत ही इंजॉय किए होंगे। आशा करता हूँ कि ये वाला ब्लॉग आप सभी को बहुत ही पसंद आ रहा होगा। बस ऐसे ही जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर देना यार चैनल को, बीच में ही बता रहा हूँ वीडियो के भीतर, डरना मत। कैसे देख रही मुझे, वाह हाय। चलो निकलते क्या फिर, मैं पीछे खड़ा था ये सब आगे आगे थे। तो चलो गाइस आशा करता हूँ कि ये ब्लॉग आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। मैंने तो फुल बहुत ही कोशिश की या आगे तक पीछे तक जाने की, जो कौन सा किला था वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, कानेरी कुछ तो था ना, हाँ हाँ वो देखना था यार, लेकिन नहीं दिखा पाए क्योंकि टाइम बहुत लग गया। आप सभी को रीज़न पता है, स्टार्टिंग में आप लोगों ने बहुत ही देखा होगा। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।